दरअसल पापा के ऊपर, इसको कहीं भी जाओ मैं पापा की तरह लेटर ना इसको वहीं पे नींद आ जाती है। मैं गई हूँ मम्मी पे, मेरे तो कोई पास से भी गुजरे मेरी नींद बस नहीं, तो ये सच मैं गल नहीं पानी समझ आई क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सब ठीक है, रात के टाइम में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि खाना शाना भी खाया था आज हमने, चने बनाए थे और पापा जो है ना अभी इशा की नमाज़ पढ़ने गए थे, क्या क्या गए थे चाय बनाओ, उनकी चाय बनाने लगी थी तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा डिफरेंट काम करती हैं, मुझे रिक्वेस्ट भी दो तीन दफ़ा आई है कि आप जो है ना कश्मीरी चाय बनाना सिखाएं, तो बस उसकी चीज़ें जो है ना आज मैंने फाइनली मंगवा ली। अगर आपको सच बताऊँ तो मैंने भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पी, हालांकि हम एक दो विंटर्स की जो शादियाँ हैं उन पर गए थे मिलते हैं, लेकिन वो चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं, मुझे चीनी बिल्कुल भी नहीं पसंद खासकर चाय में। तो अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ, जल्दी से पानी गर्म हो रहा था, मैंने चूल्हा बंद किया है कि ज़्यादा ना हो जाए। आलमंड्स हैं थोड़े से हमारे पास, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप ले लें, ठीक है। हमें तो अभी फ़िलहाल जो है ना बादाम ही मिले थे। तो ये वो है चाय, 2 टेबल स्पून है, इसको हम जो है ना इसमें डाल देंगे। ग्रोसरी स्टोर है ना वहाँ से मिल जाएगी, वैसे ये हमें खुली मिली है तो ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मिली, ये कोई 100 रुपीज़ की मिली है। तो ये 2 टेबल स्पून है, इसका पहले हमने कहवा बनाना है, ठीक है। ये इलायचियाँ और थोड़ा सा सॉल्ट है, पहले जो है ना हम इसका कहवा बनाएंगे। और अगर मेरे बैंक को आग लग जाती है अभी तो नहीं, कुछ नहीं होता तुम्हारे में। तो पहले जो है ना हम इसका कहवा बनाएंगे, और कहवे में ये 2 या 3 आप जितनी आपने इलायचियाँ डाली मैं तो 2-3 डालूंगी बस, मैंने इतनी सी ली है। थोड़ा सा सॉल्ट है ये भी डाल देंगे, ठीक है। इसके कहवे को पकाएंगे हम, पहले फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, वैसे देख लें भैया आपकी वजह से मैं बना रही हूँ, आपकी बहन आपकी वजह से बना रही है। को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें 3 कप पानी है, 2 इलायचियाँ, थोड़ा सा 1 पिंच नमक, और जो चाय थी ना वो, इसको हम कहवे को तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे जब तक ये जो है ना इसका कलर नहीं आ जाता। और इधर हम दूध गर्म कर लेते हैं, आपको पता है कि मैं और फातिमा जो है ना हम खुला दूध नहीं पीते, तो ये चाय मैंने और फातिमा नहीं पीनी है, तो मैं जो है ना ये ऑलपर का दूध इस्तेमाल करी हूँ, आपके पास जो है वो कर लें। जब तक कहवा पकता है ना तो मैंने दूध भी रख दिया है, सिर्फ मैं इतनी सी चीनी डालूंगी, ये पूरा चम्मच भी नहीं है, हाफ चम्मच है। का कलर ऐसे निकला है, पिंक होना शुरू हो गया है ये। शुड आई ईट दिस? तू कॉल खड़ी है और तू फातिमा कुछ ना करे, ये केड़ी किताब चली गई। दूध बॉइल हो गया, दूध में जो है ना मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए थे पीसे हुए, और ये जो कहवा ना ये बन गया, ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा टाइम लेती है, इसको हम छान लेते हैं। ये 3 कप थे और 1.5 कप तकरीबन रह गया है, किसे पक गया दूध को, आप जितना गाढ़ा कर सके ना कर लें, इसीलिए मैंने डिब्बा मंगवाया है कि मुझे खुला दूध बिल्कुल नहीं पसंद। और ये जो है ना 1 कप मैंने डाल दिया है कहवा, और इसका कलर आना शुरू हो गया है, यू कैन सी दिस। ये ना अब वीडियो में तो बिल्कुल पिंक नहीं लग रहा, लाइट पिंक सा हुआ है, लेकिन रियल में ये बड़ा प्यारा सा कलर है, क्रीम और पीच पीच सा है ना। पिंक चाहिए हमें, हम चुटकी पा ली है पिंक नहीं। मुझे पड़ा हुआ थोड़ा सा और डाल लो। नहीं मैंने कहवा कम डाला है, ज़्यादा ना पतली चाय मुझे पसंद नहीं है, अगर आपको सही बताऊँ तो। के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कलर पिंक, इसको अच्छे तरीके से ना 5-10 मिनट इसको हम गाढ़ा करेंगे। पतला कहवा मैंने इसमें ना थोड़ा डाल दिया था, पहले मैंने कम डाला था तो बाद में मैंने जो है ना सारा डाल दिया था, तो अब मैं चाह रही हूँ कि चाय जो है ना वो थोड़ी सी सूख जाए, मतलब गाढ़ी हो जाए। तो ये जो कहवा है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, तो आप क्या करें, बेस्ट काम ये है कि आप जो है ना 3-4 ग्लास में अच्छे तरीके से इसको पका के ना, तो एक बोतल बना के रखें, जब भी आपका दिल करे तो थोड़े से दूध में डाल के तो वो पी ले, वरना ये जो है ना आम चाय से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, अगर अच्छी बनेगी ना बस फिर आप चाय बनाते रह जाएंगे। बिल्कुल, मैं बस चाय गाड़ी होगी, इसको बंद कर देते हैं, और स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेन ही की हुई है। इसके अंदर सिर्फ 1 इलायची आपको मिल सकती है या बादाम, जो आपके मंगाने के जो आपके मुँह में रस घोलेंगे। कोई बोलते हैं जितने आपके पास हैं डाल लें, ठीक है। तो कैसी बात में तुम्हें रियल खुशबू आ रही है ना? जी बहुत प्यारी इसकी खुशबू, पता है कैसी है, मैं अगर आपको बताऊं तो, जैसे दूध को हम उसे कहते हैं ना थोड़ा सा सुखा सुखा के, और वो खोया ना नहीं बना रहे होते, वैसे इसकी फ्रेग्रेंस है। आत्मा जो है ना मुझे बताएगी कैसी बनी है, अगर ये ठंडी अभी गर्म बहुत है तो हम कैसे इसको बनाएंगे ऐसे। बहुत मज़ेदार है वाकई में, बस अब हम यही पिया करेंगे, हमारा अगर खुला दूध छूट डिब्बे वाला दूध छूट गया ना, हम ये बोलेंगे ना खुले दूध की यही पी लो, पर पी लो खुले दूध की किसी तरीके से, कोई चक्कर नहीं है।
नहीं नहीं वाकई में बहुत मज़ेदार, खीर जैसा टेस्ट है जी। ये थी इसकी फाइनल लुक, मैंने आपको कहा एक दफ़ा ना फिर से कप में डाल के दिखा दीजिए। ये देखिए कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं अभी ये पिंक लग रही, लेकिन रियल में ये पिंक ही है। और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसे खीर का टेस्ट होता है ना वैसा टेस्ट। अभी इधर ड्रामा देखने आ रहे हैं, उनके ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। हम मामा देख रही हैं रुतबा वाला ड्रामा, जो कि अच्छा ठीक है। आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये लड़की किसकी जैसी लगती है, अगर आपने बता दिया बिल्कुल सही, फिर हम एक वीडियो जो है ना वो बना देंगे उन लोगों के ऊपर जो हमें कमेंट करते हैं, ठीक है ना। हैप्पी पापा आ गए हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। दो मिनट, ये देखिए अभी मैंने एक फ़ोन उठाया था। ये फातिमा की आवाज़ें सुन रहे हैं, अम्मी की नकली उतार रही है कि साहब आ जाओ चाय तुम्हारे लिए रखी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यहाँ पे चाय शाय पी के ड्रामा श्रामा देख लिया, बड़ा अच्छा से एंडिंग हो गया। तो ये देश के की अभी हालत देख लें। ये अम्मी ने जो है ना 4 से 5 दिन हो गए हमारा जिन्हें हराम के जराबे ले गए हैं। हाँ कुरकुरे, तो ये इसमें क्या क्या डाला है मामा, जरा जल्दी से रिकैप कर दे। बेस कसम अल्लाह दी किचन च काम कर रही है। बेसन इसमें अम्मी ने डाला है, सरफ लेमन और सॉल्ट भी डाला है। सॉल्ट लेमन और सरफ, वो जो खुले सरफ के साथ उस दिन मैं धो रही थी ना कंबल, वो तो ये बोनस डाला है। बोनस क्या है? गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। जुमा है आप सबको, सबसे पहले तो जुमा मुबारक हो। टाइम जो है अभी तकरीबन हुआ है 11 बजने में, थोड़ा सा टाइम है। तो बस सफाइयाँ हो रही हैं, रूम नीट किया है, शराज को जगाया है, नाश्ता वगैरह उसने किया, आज फ्राइडे है, कपड़े वगैरह सबके आयरन हुए हैं। और ये जो लड़का है स्पीकर, इसने सारा गंद हमारे घर में डाला हुआ है, किसने अपने स्पीकरों का पता नहीं क्या करवाना है, इसने सारा खोला हुआ है सिस्टम, सारा सामान इधर पड़ा है। हम देख लेते हैं, हम कौन सा आ नहीं सकते। ये ले, इसने वो ना इसके जो बॉक्सेस हैं वो बनने के लिए दिए हुए हैं, उनके ऊपर मैट लगना है। एक वाली सुन रहा था, ये देखिए ये सुन रहा था कवाली, तो मैंने साउंड ऑफ कर दिया क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है। मैंने आपको रात को दिखाया था ना, अब मैं इसको आप वॉश करके दिखाती हूँ कितना साफ हुआ है। मैंने ना उसको वॉश कर लिया और काफ़ी हद तक जो है ना ये क्लीन हो गया। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, दरवाज़ा खोल लेते, हमारे घर कोई आना चाह रहा है। आओ अंदर, फिर क्या हुआ यहाँ पे जी। अंदर की सफाई अभी कम्प्लीट नहीं हुई, मैंने कहा किचन की भी कर लें, और चूल्हे को मैं 2 दिन के बाद वॉश करती हूँ। यहाँ पे जो है ना चाय अक्सर गिर जाती है, यहाँ पे कोशिश की है साफ़ करने की, थोड़ा सा है ये, इंशाल्लाह कल जो है ना मज़ीद हो जाएगा। किचन जो है ना हमारा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, और ये जो सारा कचरा है ना ये डीप क्लीनिंग आज थोड़ी सी हुई है, इसकी भी सफाई जाना ज़रूरी है। तो इसके साथ जो ना हम इसको वॉश करते हैं, मतलब थोड़ा सा कूचा कुचाई इसके करते हैं इसको। ये रहा जी फाइनल लुक, देखे कैसे चमचमा रहा है, इतना नीट हुआ है ना कि रियल में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, अच्छे तरीके से नीट हो गया। और मामा भी सब्ज़ी लेके आ गई हैं, और आज हमने बनानी है ये सब्ज़ी। मैंने अम्मी को आलू मेथी बोला था, लेकिन मामा आलू पालक लेके आएंगे। मेथी जो है ना सेहन भी धो लिया है, बस तकरीबन टाइम जो साढ़े जो टाइम है ना वो तकरीबन अभी 12:30 बज गए, मतलब 12:30 मोटर हमारी चल रही है। इस टाइम हमारा जो है ना पानी तेज़ आ रहा होता है, और शराज जो है ना अपने इन स्पीकर्स के पीछे, आपको पता है ये लड़का बिल्कुल क्रेजी है, खुद अब इनके जो है ना पेच वगैरह लगा रहा है। ये जो इसकी शीट है ये न्यू लगी है, हाँ जी कनेक्शन भी खुद ही करना है, ये खुद ना कारीगर बन चुके हैं। जिसको जिस चीज़ का शौक हो ना आपको, उस चीज़ की फिर इन्फॉर्मेशन इंसान को सारी हो जाती है। तो बस इसी खुद ही ठीक करता है, खुद ही ख़राब करता है। और मामा जो है ना वो सब्ज़ी बना रही हैं। फातिमा क्या करती है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है, और आप सबके लिए भी दुआ दो है। सबसे पहले तो आज जुमातुल मुबारक, रबी अव्वल का आखिरी जुमा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पे, खासकर फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अल्लाह पाक ख़ास रहमत करे, और हम सबको अपने अपने घरों में शाबाद रखे। अभी मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ, समझ नहीं लग रहा था क्या लूँ, तो थोड़ी सी मैंने मेथी ली और पालक ली है,
तो वो बना रही हूँ। मजा आ रही है, हमने घास फूस खानी है। कैमरे में ये ऐसी लग रही है, ये ना पंजाब साइड में ना लोग वो दूसरी चौड़े पत्तों वाली मेथी खाते हैं, और इधर लाहौर में है ना, लाहौर भी पंजाब का दिल है, ये इधर लोग ज़्यादा खाते हैं ये मेथरे जो हैं, हम भी मेथरे ही खाते हैं, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हर मैन अभी फ्रेश होगी फिर बनाएगी, आज जुमा है बड़ा काम है। तो पहले की तरह हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजें, और अल्लाह पाक हम सब पे रहमत करें। आमीन सुम्मा आमीन। खाना खा रहे हैं पापा और भाई जो है ना अभी जुमा पढ़ के आ गए जी जुमे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सही बोलो। अभी जुमा पढ़ के आए हूँ मैं और शराज। ये कह रहे टोपी उतार दो लेकिन मेरे बाल खिले हुए। टोपी उतारने सही है, सही है बिल्कुल, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जी जिसने खाना खाना है जी बिस्मिल्लाह आ जाए जी। और हमारा खाना जो है ना आज लेट हो गया तो। और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबको? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और रबी रबुल का आखिरी जुमा मेरे पापा पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी में गया था क्योंकि मैं पहले अपने स्पीकरों की फिटिंग कर रहा था और मैंने बाल भी नहीं बनाए, और वापसी पे बस ठीक है। माँ जी प्यारे जी, ऐसा भी नहीं पता सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अम्मी को शायद नहीं पसंद या किसी किसी को नहीं पसंद, इस वजह से मैं पकौड़े लेके आए। नहीं क्यों नहीं पसंद, माशाल्लाह दोबारा तड़का लगाया, हमारी तो दाल भी गोश्त से ज्यादा प्यारी बनती है। शुक्र है, चलो जी खाना खाते हैं। अपनी दाल अपनी होती है। खाना बना लेते हैं। तकरीबन टाइम जो है अभी 6:30 का हो गया, और आज थोड़ा सा खाना वैसे लेट ही हो गया, ऑयल डाला हुआ था गर्म होने के लिए। वो लोग देखने के साथ साथ इसको लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो बस ऑयल गर्म हो गया, इसमें प्याज डालते हैं, ठीक है। लहसुन अदरक टमाटर तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मामा जो है ना वो पढ़ रही हैं नमाज, इशा कह रही हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ी है, मैंने भी अभी पढ़ी है और अम्मी भी पढ़ रही हैं अभी दुआ। मामा की थोड़ी सी लंबी होती है तो माशाल्लाह से लंबी लंबी दुआएं करती हैं, दुआ कर रही हैं। मेथी को भून लेती हैं 3 से 4 मिनट, नहीं बल्कि ज़्यादा मिनट, मेरे मुंह से 3 से 4 मिनट निकल गए, 5 से 10 मिनट भूनेंगे, क्योंकि मेथी की जो करवाहट है ना ये ऐसे ऑयल में अच्छे तरीके से इसकी बनाई होगी ना तो ख़त्म हो जाएगी। खैर मेथी तो थोड़ी सी है, लेकिन मेथी बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, अब हर किसी का अपना अपना तरीका है। हम वैसे ऐसे ऑयल में भून के तो फिर इसमें बस ये जो आलू पड़े हैं ना ये हम डाल देंगे, और बस मेथी हमारी रेडी बिल्कुल। चले जी हंडिया तो आपने देख लिया, बन गए, सिंपल सी रेसिपी है, आलू मेथी इंशाल्लाह सर्दियों में बनाया करेंगे, और बस पापा आएंगे तो रोटियां बन जाएंगी। इतना ज़्यादा कुछ शाम के टाइम काम नहीं होता, वो मैं सो गई थी तो थोड़ा सा जो है ना मेथी वो मैं सो नहीं गई थी, पर नहीं सो जाती तो फिर अकेली को छोड़ के मैं गूहों की तरह घर में भटकती रहती हूँ अकेली, कभी इधर का। तो ये इसको बंदा पूछे तुम्हें कौन कहता है कि मैं ना सो, अब मुझे नींद नहीं आती मेरी, वो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये थोड़ा सा लेट उठती है, बस यही मसला है कि मुझे दिन में नींद आ जाती है। तो फिर मैं ना अपनी ना गई है दरअसल पापा के ऊपर, इसको कहीं भी जाऊँ मैं पापा की तरफ लेटर ना इसको वहीं पर नींद आ जाती है। मैं गई हूँ मम्मी पे, मेरे तो कोई पास से भी गुजरे मेरी नींद, बस ये मैं गल नहीं पानी समझ आई। लोग आपने देख लिया है, और मेथी की कोई इतनी खास रेसिपी नहीं, छोटी मोटी सी, मतलब आप कह लें मैंने आपको रिकैप किया है, और रात वाली रात को हमने वो जो चाय बनाई थी और उसमें मैंने बताना था कि अगर आपकी मर्ज़ी है दालचीनी और जावित्री डाल लें, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना चाय में बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाली। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें। आप लाइक करने में क्यों इतनी कंजूसी करते हैं? तो व्लॉग देखते देखते लाइक कर दिया करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे परसों अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे इजाज़त, आज जुमा है, आप सबको जुमा मुबारक भी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।